अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। जी हाँ, आप सबकी दुआओं से जो है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल की वीडियो में आपने मुझे बहुत ज्यादा दुआएं दी। थैंक यू सो मच कि आप सबने मुझे कॉमेंट करके स्पेशली जो है ना मुझे दुआएं सेंड की, और मुझे बहुत ज्यादा दिली खुशी हुई आप सबके कॉमेंट्स को रीड करके यहाँ पे जी। क्योंकि इंसान जो होता है ना उसको दुआ की जो है ना बड़ी जरूरत होती है, चाहे वो तंदुरुस्त हो या बीमार हो, क्योंकि दुआएं जो है ना किसी की लग जाती है। तो मुझे भी इंशाल्लाह जो है ना आप सबकी दुआएं जरूर लगेंगी, और जो जो मेरी प्यारी बहनें इस सिचुएशन में हैं और इस वक्त से गुजर रही हैं, अल्लाह ताला उन सबके ऊपर आसानियां पैदा करे जी। अल्लाह ताला उन सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद और खुद भी जो है ना उनकी जान की हिफाजत करे, आमीन सुमा आमीन। तो खैर यहाँ पे जी मेरी हेल्पर जो है ना वो आ चुकी थी, और टाइम हो रहा था करीबन 12 बजे का, क्योंकि ये आजकल जो है ना लेट आ रही है। तो मैं इनको कह रही थी कि आप इतना लेट क्यों आती है, जितना आप जल्दी आएंगे उतना आपका काम जो है ना वो जल्दी सिमट जाएगा। लेकिन वो कह रही थी कि आने में टाइम लग जाता है ये, तो वो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं अभी इनको कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जो वक्त ये मेरा जो है ना गुजर रहा है इस सिचुएशन में, जो ये मेरी हेल्प कर रही है मेरे लिए बहुत ज्यादा है। चाहे ये पैसे भी लेती है ना, फिर भी जो है ना हम अगर इस सिचुएशन में हैं तो फिर हमें जो है ना इनका फिर भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी मदद करती हैं। और पैसों की क्या बात है, पैसों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि पैसे जो है ना आने जाने वाली चीज है, और हर इंसान मेहनत करता है जी, मेहनत का फल उसको मिलता है। और खैर यहाँ पे आपकी जो है ना तबीयत जैसे ही थोड़ी ठीक हुई तो मैंने इरादा किया कि मम्मी की तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि आवाजार में वैसे बड़ी ज्यादा थी अपनी तबीयत की वजह से भी। तो मैंने कहा थोड़ा सा माहौल जो है ना वो चेंज होना चाहिए, क्या हर रोज जो है घर में बंदा रहे, तो अम्मी की तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं ज्यादा जो है ना अम्मी के घर ही जाती हूँ और कहीं भी नहीं जाती। और सारे व्लॉग्स में आपको यही नजर आया होगा कि ना मैंने कहीं खाला के घर जाना होता, ना मैंने पुप्पो के घर जाना होता, ना मैंने अपनी मामू के घर में जाना होता, कहीं भी नहीं जाना होता, मैं सिर्फ अपनी माँ की तरफ जाती हूँ जी। मेरी माँ का घर ही जो है ना मेरे लिए काफी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे हमारे सरों पर, जो है ना अभी तक जो है ना अपने बच्चों के साथ करती हैं, और माएँ हमेशा ही अपनी औलाद के साथ करती हैं, क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए कर दिया है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। और ये अब जाके जो है ना हमें समझ आती है, जब हमारी शादियां हुई है ना तब जाके हमें समझ आती है कि वाकई एक रात की जो तकलीफ है ना वो हम अपनी माँ की तकलीफ को भी पूरा नहीं कर सकते, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, जितनी रातें वो जागी हैं। जब मेरी आंख खुलती है ना रात के टाइम, और चाहे वो सालेह के लिए खुले या जैसे भी खुले, तो मुझे एहसास होता है कि वाकई मेरी माँ ने बड़ी जो है ना मुश्किलें देख कर जो है ना हम सबको बड़ा किया, जवान किया, फिर हमारी शादियां की माँ बाप ने। तो अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला उनको सदा सलामत रखे जी, उनको खुश रखे। और यहाँ पे जी सुबह के मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था, नॉर्मली कपड़े मैंने उनको पहनाए थे, सालेहा भी रेडी थी, रिशा मीजा भी रेडी थी, और बस मैंने नाश्ता करना था। समझ नहीं आ रही थी कि नाश्ते में क्या खाऊं, कुछ भी खाने को ऐसा दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड ना फिर चले गए थे नेमत खाने, वहां से फिर ये कुछ पैटिस वगैरह लेके आए थे मेरे लिए, कि मैं किसी तरह से नाश्ता करके ना फिर ही जाऊं, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना घर से खा के ही नाश्ता वगैरह करके ही जाती हूँ। चाहे वहां पर भी खाने वगैरह का उन्होंने अरेंज किया हो ना, तो मैं घर से जो है ना मुझे थोड़ा बहुत खिला के फिर ये लेके जाते हैं। तो वहां पर जाते ही मैंने देखा कि अम्मी जो है ना वो सब्जी बना रही थी, और आपी और सारा जो है ना वो नेमत खाने गई हुई थी, क्योंकि उनको जरूरी काम था, वहां से कुछ चीजें उन्होंने परचेज करनी थी। मैं और अम्मी जो है ना फिर उनका वेट कर रही थी, अम्मी तो सब्जी बना रही थी, थोड़ी देर मैं अम्मी के पास बैठी हूँ, तो बाद में फिर मैं अंदर आ गई थी। मैंने कहा बैठा नहीं जा रहा, मैं जाऊँ अंदर जाके ड्राइंग रूम में जाके थोड़ा सा लेटूं, रेस्ट करूं। खैर ये जब आई है ना वहां से, तो आते ही जो है ना उन्होंने मेरी खिदमत में लग गई है। सारा जो है आपको पता है, हर वीडियो में आपको नजर आता है, जैसे ही मैं वहां पे जाती हूँ तो बस फौरन से कुछ ना कुछ ले आती है मेरे लिए। और ये वहां से लेकर आई हुई थी नेमत खाने से कुछ पैटिस वगैरह चीज में, और फिर बस इसने सर्व किए हमें कि मैं जो है ना जल्दी से अपनी बहन को जो है ना खिला दूं किसी तरह से। और माशाल्लाह से ये भी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला इसका नसीब भी बहुत अच्छा करे। खैर आपी भी आई हुई थी साथ में, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये दोनों नेमत खाने गई हुई थी ना, लिजारा फातिमा की तबीयत खराब थी, तो आपी ने उसकी मेडिसिन भी लेने जाना था, घर के पास ही क्लिनिक है, वहां पर जो है ना हम फैमिली डॉक्टर है हमारे, तो हम वहीं पे जाते होते हैं। तो आपी जो है ना फिर वो जारा फातिमा को लेके बस जाने वाली थी वहां पे, पहले हम बातें जाते कर रहे थे, आपी मेरा हाल पूछ रही थी, परेशान थी, और स्पेशली मेरे लिए भी वो आई हुई थी अम्मी की तरफ के मैं जो है ना जाके जो अरे सालिया की मामा की खबर ले आऊंगी। तो मैं खुद ही फिर यहाँ पे आ गई, मैंने कहा मैं भी जो है ना इधर ही मिल लेती हूँ फिर, क्योंकि घर में फिर आपको बताया मैंने कि घुटन सी फील हो रही थी मुझे। अच्छा मुझे ना टिकटॉक पे एक प्यारी सी सिस्टर डेली जो है ना कमेंट्स कर रही थी, और बहुत ज्यादा वो लॉन्ग लॉन्ग से कमेंट करती है, और बहुत ज्यादा जो है ना मुझसे सवालात करती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने एक वीडियो में लाजमी ये शेयर करना है कि आपका अपनी बेटियों के साथ, तीनों बेटियों के साथ जो है रवैया किस तरह का है घर में, आप उनसे किस तरह से ट्रीट करती हैं, किस तरह से बात करती हैं, खाने को क्या देती हैं, नाश्ते में क्या देती है, और ये सब कुछ सवालात उन्होंने मुझसे किए थे। तो मैंने उनको कहा था कि मैं जो है ना एक वीडियो में आपके साथ सारी डिस्कस कर दूंगी, आप उसको फिर देख लीजिएगा वीडियो को, फिर आपको पता चल जाएगा। ये वाला सवाल भी जो है ना बड़ा जरूरी था जो उन्होंने मेरे साथ किया कि बेटियों के साथ रवैया किस तरह, क्योंकि हर इंसान जो है ना वो नजर कुछ और आ रहा होता है लेकिन होता कुछ है, होता वैसे इसी तरह ही है। अच्छा वीडियो में जो दिखाया जाता है बाज दफा जो लोग दिखाते हैं वो हमें लगता है कि वो बिल्कुल सच है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं,
नहीं होता। तो खैर आज जो इन्होंने मुझसे सवाल जो सवाल उन्होंने मुझसे किया तो मैं आपके साथ उसका जवाब जो है ना वो बिल्कुल सच में दूंगी कि मैं जो मेरा रवैया जो है ना मेरी बेटियों के साथ किस तरह का है। तो मैं ना आपको सही बताऊं कि मैं अपनी बेटियों को डांट भी लेती हूं और बाज दफा जब मुझे बहुत ज्यादा मैं एक ज़हनी टेंशन में होना तो फिर मैं उनको मार भी लेती हूं, लेकिन इतना नहीं मारती, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगा लेती हूं, लेकिन डांटती जरूर हूं क्योंकि वो अच्छा मैं ना सेपरेट रहती हूं, फैमिली जो है मेरी सेपरेट है। मेरे ससुराल में अगर हम लोग रहते हो ना फिर वो जो है ना जेठ जेठानियों के बच्चे वगैरह इन सबका जो है ना बड़ा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर ना। तो मैं जो हूँ शुरू से ही सेपरेट हूँ तो मेरी बेटियां भी जो है ना शुरू से ही मेरे साथ अकेली रही हैं। तो मैं जाहिर सी बात है एक माँ से ही जो है ना बच्चा सारा कुछ सीखता है, माँ ही जो है ना पहली दरसगाह होती है कि वही बच्चे को सब कुछ सिखाती है। तो मैं इनको जो है ना इन्होंने कभी इस तरह की कोई चीजें इनमें ना मेरी बेटियों में तीनों बेटियों में जो है ना जरा सी भी वो चलाकीपन नहीं है कि बच्चे जो अक्सर चलाक भी होते हैं ना बहुत होशियार भी होते हैं, मारने वाले भी होते हैं, फाइट करने वाले भी होते हैं, तो मेरी तीनों बेटियां जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। सालिहा का मैं कह सकती हूँ, सालिहा जरा ज्यादा एक्टिव है, वो जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि वो इन तीनों दोनों में से डिफरेंट है। तो जब सालिहा इस तरह की कोई हरकत करती है ना तो मैं उसको डांट भी लेती हूँ, मार भी लेती हूँ, प्यार भी बड़ा करती हूँ, लेकिन मैं जो है ना किसी से डांट भी नहीं पड़वाती, किसी से मार भी नहीं पड़वाती। इनके पापा भी अगर डांटे ना तो मुझे दिल को मेरे कुछ होता है कि आपने इसको डांटा क्यों है, या अरिशा मिर्जा को आपने हल्का सा लगाया भी क्यों है, या उनको डांटा भी क्यों है, हालांकि वो मेरे से ज्यादा इनसे प्यार करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं जो है ना इनको मैं चाहती हूँ कि ये जिंदगी में ना कुछ जो जाहिर सी बात है हर औरत को जो है ना मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, मुश्किल वक्त देखना पड़ता है, तो मेरी बेटियों को जो है ना ये बहादुर बने, स्ट्रांग बने। जब इनको चोट लगती है ना तो मैं उठ के जो है ना फौरन से हाय हाय नहीं करना स्टार्ट कर देती है, मैं इनको ये नहीं कहती हाय चोट लगी है तो अब इसको पता नहीं कब ये ठीक होगी, मैं इसको सर पे नहीं सवार करती इस चीज को। मैं चाहती हूँ कि ये गिर के जो है ना खुद ही बड़ी होंगी, बहादुर बनेंगी, इनमें जो है ना बर्दाश्त की जो है ना वो पैदा होगी, ये बर्दाश्त कर सकेंगी हर चीज को, हर वैसे तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, हर परेशानी से उनको दूर रखे, लेकिन जिंदगी है ना, जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को बहुत कुछ देखना पड़ता है, गम भी देखने पड़ते हैं, परेशानियां भी देखनी पड़ती हैं, खुशियां भी देखनी पड़ती हैं। तो माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी औलाद को दुनिया जहां की सारी चीजें दे देते हैं, लेकिन जो उनका नसीब है ना वो नहीं दे सकते, वो सिर्फ दुआ दे सकते हैं अपनी बेटियों के लिए कि अल्लाह ताला इनको आगे जाके खुशियां मिले, सुकून मिले। तो मेरा इनके साथ रवैया इसी तरह का है कि मैं इनको डांट भी लेती हूँ, मार भी लेती हूँ, प्यार भी कर लेती हूँ। जब मैं इनको ज्यादा डांट लू ना तब मुझे एक फील होता है, गिल्टी फील होती है कि मैं इनको मैंने इतना क्यों डांटा। फिर ये सोई होना तो मैं अक्सर इनको जो है ना इनको प्यार कर रही होती हूँ, कभी इनके फेस के ऊपर हाथ फेर रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ, फिर रोती भी हूँ अक्सर कि मैंने इस तरह क्यों किया। और खाने पीने में मैं क्या देती हूँ आपको, मैं व्लॉग में दिखाती रहती हूँ इन्होंने नाश्ते में क्या किया। आजकल तो रूटीन बड़ी खराब हुई है क्योंकि मैं कुकिंग वगैरह का काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी खाना वगैरह नहीं बना रही, और रीजन आप सबको पता है, तो इस वजह से मेरी बेटियों को भी ना अक्सर जो है ना बाहर का खाना पड़ रहा है, और यहाँ फिर अम्मी की तरफ से जो है ना पक के आ जाता है, अम्मी आके पका देती हैं, सब कुछ आपके सामने है। और यहाँ पे जी आपको नजर आ रहा है कि मैं आई हुई थी बाहर अपने हस्बैंड के साथ, प्यारे से हस्बैंड के साथ, क्योंकि अम्मी की तरफ से ना फिर मैंने कहा मुझे घुटन सी फील हो रही है, मैंने सीधा घर नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर बाहर ले जाएं आप। तो यहाँ पे बाजार वाली साइड पे आई हुई थी, बाजार से जो है ना मैंने फिर सवेरा स्टोर जाना था, कुछ एक दो चीजें लेनी थी, तो बस इस तरह जो है ना मेरा ये वाला दिन गुजर गया था। वक्त अब इसी तरह गुजरेगा, किसी ना किसी तरह अपने आप को मसरूफ करना है। तो आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, आबाद रखिए, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज़।